हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इमान राजवाड़ा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, बेल आइकन बटन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं एनालिसिस में। है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। हम लोग 5 मिनट के चार्ट में कल के लिए लेवल फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन पहले डेली और वीकली चार्ट में यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कल मुझे वीकली चार्ट के ऊपर बात करना चाहिए था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किसी कारण से, किसी काम से, मेरे फैमिली फंक्शन के वजह से मैं घर गया था और आया बहुत देर से। असल में अभी मेरे साथ वीकेंड में ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम हो जा रहा है, और प्रोग्राम भी ऐसा हो रहा है कि लोग सैटरडे संडे को ही रख रहे हैं, ताकि मैं वहाँ पर शामिल हो सकूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि सर आजकल कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सर यूट्यूब में लाइव आइए लाइव आइए, क्योंकि कुछ लेवल्स आप बता दीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं आने वाले दिनों में कंटिन्यू कर पाऊंगा। अब शायद ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अब मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको वीकली चार्ट में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ से कंप्लीट कंटिन्यू बेरिश कैंडल के साथ ही नीचे आ रहा है। आज गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा ऊपर गया है, जैसे ही स्लो को ब्रेक करेगा कंटिन्यू नीचे आएगा, राइट। अब इसका ये जो लो है, ये लो इधर क्या दिख रहा है, ये 32,000 के आसपास दिख रहा है। तो अभी मार्केट इधर आना चाहिए। मार्केट के लिए जो कंटिन्यू मूवमेंट है वो डाउन साइड का मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मंथली चार्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो एक कंप्लीट बेरिश कैंडल दिख रहा है, राइट। हाँ, लेकिन इस कैंडल में इस आसपास से बाइंग आया, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये बाइंग का भी लेवल हो सकता है। हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट तक आना चाहिए, राइट। ये क्या है, एक कोविड से पहले का हाई है जहां से रिवर्स किया था। अगर मान लीजिए इसके नीचे गया तो फिर तो बड़ा तूफान होने वाला है, राइट। लेकिन अभी हम क्या सोचेंगे, मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है, आप नीचे की तरफ ही सोचिए, रिवर्सल अभी नहीं है, राइट। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो भी ऊपर से नीचे ही आने वाला है, इसलिए इसमें बाइंग के बारे में अभी मत सोचें। अभी ये कंटिन्यू शॉर्ट की तरफ हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें दोस्तों निफ्टी को, तो निफ्टी भी कंप्लीट बेरिश कैंडल के साथ नीचे आ रहा है और अभी इसका स्विंग लो है, राइट। तो इस लो के आसपास इसे आना चाहिए जो ए भाव है, ओके, इधर का। तो जो पहले है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहूँ लोअर साइड में, तो 15,800 की तरफ इसका भाव दिख रहा है, ओके। और अगर आप इसको मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी कंटिन्यू बेरिस है, लेकिन वही जो मैंने अभी आप लोगों को बैंक निफ्टी के साथ शेयर किया कि इसी टाइप का इस लेवल से इसमें बाइंग भी आता है। तो मे भी अभी कंटिन्यू वीक में आए, इसके बाद किसी लास्ट वीक में, इस मंथ के लास्ट वीक में बाइंग हो सकता है। बट अभी नीचे आ रहा है तो ट्रेड हमारा इसमें डाउन साइड का बनना चाहिए, मतलब जो पोजिशन बनाए थोड़ा सा लोअर साइड का, लो साइड का भी पोजीशन देख के आप बनाए, मतलब व्यू देख के आप पोजीशन बनाइए, राइट। अच्छा, इसी के साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो थोड़ा वर्ल्ड मार्केट देखिए। वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे ना तो काफी नेगेटिव है। मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूंगा, ये है ब्राजील का, ठीक है। इस ब्राजील का चार्ट को देखिए, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, राइट। इस स्विंग लो के आसपास आया है पर बड़े कैंडल के साथ नीचे आ रहे हैं। अगर वीक चार्ट में, वीकली में देखें तो कंटिन्यू बेरिश चार्ट पैटर्न बनाए हुए हैं, राइट। ये लो है, अगर इस लो के नीचे जाता है सिनेरियो सब तरफ नेगेटिव होगा, राइट। साथ में देखिए अब डाउ, क्योंकि डाउ से बहुत प्रभावित होता है हमारा निफ्टी, ओके। तो अगर आप डाउ को देखें तो डाउ भी एकदम नेगेटिव हो गया है। इस चार्ट को देखें तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। यहाँ से बाइंग हो रहा था, बाइंग होकर ऊपर चला गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर ये नीचे हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है, ओके। अगर आप यहाँ डेली चार्ट देखेंगे तो आज भी ये डाउन साइड है। मैं इस चार्ट को देख रहा था रात को, हो सकता है सॉरी दिन में, जब मैं पोजीशन बना रहा था, आप लोगों की मैंने पोजीशन दिया हुआ है इसमें शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है, फ्यूचर शॉर्ट करके, पुट शॉर्ट करके जाने के लिए। मेरा व्यू नेगेटिव है, अभी ओपन है, ठीक है। और देखिए ये जा नीचे ही रहा है। अगर मान लीजिए अभी ये डे लो इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो इसमें एक बड़ा गिरावट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। मतलब 32,000 इसका राउंड फिगर लेवल है, तो 32,000 की तरफ आना चाह रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो नेगेटिव है। आज देखिए आप निकली है, ओके, एकदम बॉटम में क्लोज किया है। तो अगर मान लीजिए एशिया सुबह सुबह ही नेगेटिव हो जाता तो हमारा चार्ट पैटर्न में पूरा नेगेटिव दिखेगा, ओके।
तो प्राइस वाइज देखें तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड का चार्ट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, तो हमें जो भी पोजीशन बनाना चाहिए या हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा वेरिस्ट ट्रेंड के साथ बनाए। अगर ऊपर की तरफ जाता है, रिवर्सल होता है, नो डाउट हमारा एसएल कट सकता है, जाने दीजिए। जैसे आज भी हमारा एसएल कटा, एक दो एसएल कटा हम लोग दिन में ट्रेड लिए थे, मेरा भी एसएल कटा, अच्छा प्रॉफिट आया था, वो थोड़ा लॉस में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन डीमैट ओवरऑल प्रॉफिट में है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा डेली चार्ट। देखिए अगर डेली चार्ट में देखें दोस्तों, तो यहाँ से कंटिन्यूस शॉर्ट हो रहा है, राइट। अगर अभी ये बॉटम से बाइंग हो रहा था, क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पर बाइंग हो जा रहा है। ओके, मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन एक ट्रेड दिया था यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल को देखें, इस कैंडल को तो कंप्लीट डोजी है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग हो सकता था, इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट हो सकता था। मैंने आपको व्यू शेयर किया था कि न्यूट्रल टू बेरिश ट्रेंड है। ओके, मेरा व्यू था कि अगर मार्केट इस टाइप के पैटर्न में क्लोज किया है, मतलब ये डोजी जैसा कैंडल में क्लोज किया है, इस आसपास ओपन होकर नीचे जाएगा तो हमें ओवरनाइट में भी अच्छा पैसा मिल जाएगा, जो हम लोगों ने स्ट्रेंगल पोजिशन बनाए थे, ऊपर और नीचे कॉल पुट सेल किए थे, और अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट का ही चांस मिलेगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ, अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए तो ये जिस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ है, कल भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो ये साइडवेज में इस टाइप का कैंडल बना सकता है, फिर ये नीचे जाएगा तो ट्रेड हमें बड़ा मिलेगा। ओके, तो एक आप पॉज वाला कैंडल का उम्मीद करिए, पॉज हो सकता है, यहाँ पर रेड कैंडल बन सकता है। देखिए नो डाउट ये ग्रीन जरूर दिख रहा है, बट ये रेड कैंडल, क्योंकि पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आ रहा है। ओके, तो है नेगेटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल मत देखिए कि यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है, लोअर साइड से बाइंग आ रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है इसलिए बाइंग आ रहा है, अदरवाइज जाता कंटिन्यू, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाएगा उस दिन बड़ा गिरावट आ सकता है, आपको देखने को मिलेगा बड़ा गिरावट। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में देखें, देखिए मैं थोड़ा सा फ्राइडे का जो व्यू था मेरा वहां पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसा जब ये पैटर्न बन रहा था, ओके, जब ये कैंडल नीचे अगर यहाँ पर क्लोज करके जाता, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा कैप्चर किया, क्योंकि नीचे में क्लोज किया, अगर इसी तरीके से फ्राइडे के दिन यहाँ क्लोज किया होता, जब तक यहाँ क्लोज था मेरा व्यू था, देखिए मैं पोजिशन बनाता हूँ 3:15 के बाद, जो एसटीबीटी या बीटीएसटी बनाता हूँ मैं, 3:15 से पहले आप भी बीटीएसटी मत बनाइए। ओके, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15-20 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है मार्केट में, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पर क्लोज किया होता, जब तक नीचे आ रहा था, मेरा व्यू था कि ये नीचे जाएगा तो मैं इसमें अगेन, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूचर सेल करके पुट सेल करके गए थे, अच्छा गेन मिला अपने को, राइट। यहाँ पर भी हमें अगर यहाँ पर पोजीशन बनाए होते और अगर यहाँ पर क्लोज किया तो हम पोजीशन बनाए होते, नो डाउट हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन इस सब क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आ गया तो कैंडल क्या बन गया, डोजी बन गया। अगर ये नीचे आता तो कैंडल क्या बनता, इस टाइप का कंप्लीट बेरिश कैंडल बनता, तो हम लोग इसमें कंटिन्यू गैप डाउन की उम्मीद करते, लेकिन ये ऊपर चला गया इसलिए मैंने ट्रेड को स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दिया कि ये ट्रेड बना के जाऊंगा। हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ, हमें लॉस नहीं मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही रहा होगा, आप लोगों ने बनाए रहे होंगे। तो अब देखिए मैं आज आप लोगों को सेम ट्रेड फिर दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा था, तो मैं यहाँ पर एज्यूम किया था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेंड यहाँ तक देखिए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया तो मैंने शॉर्ट किया था, और मैं अच्छा क्वांटिटी, लगभग 800 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया था, 34,200 का कॉल, एक बढ़िया 30-40 हज़ार प्रॉफिट आ रहा था। ये कैंडल पूरा काम तमाम कर दिया, क्योंकि ऊपर चला गया, तो एसएल हो सकता है आपका, और शायद मैंने यहाँ पर पुट भी शॉर्ट करने के लिए दिया था, मतलब बाई करने के लिए, क्योंकि अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना था, मैं एज्यूम किया था यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, यहाँ पर हमारा एसएल कट गया। लेकिन क्या है, चार्ट पॉजिटिव नहीं है, चार्ट नेगेटिव है, राइट। देखिए यहाँ पर एक चैनल है, ओके, अगर डेली चार्ट में देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, कल के लिए ये भी रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छा नहीं है, बाइंग यहाँ पर अवॉइड करेंगे। ऊपर से अगर यहाँ चले जाएगा, गैप अप ओपन हो जाएगा, मान लीजिए 34,600 780 की तरफ ओपन हो जाएगा, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, राइट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे जाता है तो हम लोग इमीडिएट यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्विंग लो के नीचे सेल करेंगे, मतलब 34,100 इस लेवल को नोट करके रखिए, 34,100 नीचे जाता है, इस स्विंग हाई का ऐसे रखना पड़ेगा अपने को, ज्यादा ज्यादा 120 130 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा, 34,200 240 के आसपास का एसएल रख सकते हैं, थोड़ा सा एसएल बड़ा रखिएगा, क्योंकि मार्केट छोटा छोटा एसएल रखेंगे कट जाएगा, इसके बाद नीचे जाएगा तो बड़ा तकलीफ होगा, फिर नीचे जाएगा तो आपको 33,800 33,800 ठीक है 800 700 का भाव आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट आएगा तो बड़ा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो नो डाउट हमारे पास पोजीशन है, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, गैप अप ओपन होगा तो हम लोग थोड़ा ऐसे ले लेंगे, लॉस में कन्वर्ट करके अपन ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बाइंग मुझे नहीं दिख रहा है, बाइंग मैं अवॉइड करना चाहूंगा, इधर बाइंग नहीं। हाँ अगर दिन में इस टाइप का कोई प्राइस सेक्शन पैटर्न बनता है फिर ब्रेकआउट करेगा तो एक बार छोटा एसएल के साथ दिन में चार्ट में देखेंगे, कोई अच्छा प्राइस सेक्शन पैटर्न रहेगा तो बाई करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी से प्लानिंग बाई का नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं निफ्टी, निफ्टी का भी सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ध्यान रखिए लोअर साइड में अगर इसके नीचे जाता है हम लोग निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो फिर दिन में हम लोग सोचेंगे, अभी से हम बाइंग नहीं सोच सकते, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। देखिए अगर यहीं से जाएगा ऊपर तो आप इतना बड़ा एसएल लगा नहीं सकते, 150 पॉइंट 160 पॉइंट का निफ्टी में एसएल लॉजिक नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे, हाँ नो डाउट यहाँ जाके हैंग कर जाए फिर ऊपर जाए तो एक बार हम लोग सोचेंगे यहाँ तक का ट्रेड हमें मिल सकता है, लेकिन अभी तक का भी इसमें बेरिस है। तो मैं इसमें अगर नीचे जाएगा तो मैं कंफर्टेबल हूंगा शॉर्ट करने के लिए, इस पॉइंट के नीचे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट होगा इस लो के नीचे 16,240 के बिलो सेल होगा, लोअर साइड जाएगा तो अच्छा गिरावट आ सकता है, 16,100 का भाव और 16,000 का भी भाव दिखा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा अच्छा हो जाएगा, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो 16,000 का भी भाव आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट अच्छा हो सकता है। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो चांस मिलेगा ही नहीं, वेट करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो आज ही जैसा मैं आप लोगों को जैसे मॉर्निंग में आपको एक स्ट्रेंगल दिया था बनाने के लिए, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो जाता है 5 मिनट में आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा, ये ज्यादा गिरेगा नहीं, रुकेगा, इसके बाद भले गिरे रुके इसके बाद गिरे, तो जब तक रुकेगा 1-1.5 घंटा आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, जैसे आज बनाए होंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कल कैसे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक है, ओके। फ्रेंड गेल, इसका प्राइस सेक्शन पैटर्न बहुत अच्छा है, अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए एक बड़ा गिरावट आया, एक बड़ा गिरावट आया, कंटिन्यू पॉज लिया, अब फिर से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, जैसे लो ब्रेक करेगा एक गिरावट इधर इधर आ सकता है, तो एक फॉल हो सकता है नजर के कल के दिन पे गेल, इसे हम लोग शॉर्ट करेंगे 5 मिनट के चार्ट में आ जाइए। और हमारा देखिए यहाँ बढ़िया स्टॉप लॉस भी है इसके ऊपर, इस हाई का हम लोग इसे रख लेंगे, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो हमारा एसएल हो जाएगा 157 का, शॉर्ट होगा 155 के बिलो, और लोअर साइड में टारगेट हमारा 150 का हो सकता है। तो ध्यान रखिए ट्रेड अच्छा हो सकता है, लोअर साइड में अगर ब्रेक डाउन करेगा तो इसी बीच में ओपन हो जाए, बड़ा गैप डाउन नहीं हो तो हमारे लिए अच्छा ट्रेड हो जाएगा, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ऊपर में देखेंगे कोई बेरिश कैंडल मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जुबलेंट। देखिए इस जुबलेंट फूड को देखिए, यही स्टॉक अच्छा है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, बहुत बार जब मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ तो इसके बारे में पूछते हैं, और यही स्टॉक पोर्टफोलियो के लायक है। अभी मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो ये भी स्टॉक गिरेगा, ठीक है। 500 राउंड फिगर के नीचे भी आ गया, काफी दिन यहाँ कंसोलिडेट किया, ये फ्रेश ब्रेक डाउन दिख रहा है, तो एक गिरावट इसमें आ सकता है 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ, हम लोग कल इसे सेल कर सकते हैं। अच्छा स्टॉप लॉस है, मतलब छोटा स्टॉप लॉस है, इस लो के नीचे जाएगा इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट हमारा बनना चाहिए 489 के बिलो, 489 के बिलो जैसे जाएगा हम लोग सेल कर सकते हैं। इधर का हमारा एसएल रहना चाहिए 492 का एसएल, मतलब 3 रुपया का एसएल, लोअर साइड का हमारा टारगेट होना चाहिए वो 484-480 का हो सकता है। तो नजर रखिए फ्रेश ब्रेकडाउन है, गिरावट थोड़ा बड़ा हो सकता है, 3-4% का भी गिरावट दिखा सकता है, तो ध्यान रखिए ब्रेकडाउन देगा शॉर्ट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कैश का, यह है डीमार्ट, ये स्टॉक भी कंटिन्यू है। देखिए काफी दिन इस लेवल को होल्ड किया, ये भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, रखिए अगर पोर्टफोलियो में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोअर लेवल से रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी नीचे जा रहा है आप इसमें शॉर्ट हो सकते हैं, कंटिन्यू 2 कैंडल बढ़ाया है, आप लोगों को लग रहा है कि भाई 2 कैंडल आया रिवर्स हो सकता है, लेकिन आप देखिए इसका सेटअप, ये बहुत परफेक्ट सेटअप होता है, इसे याद रखिए जब भी इस सेटअप में मार्केट क्लोज करता है इसे कहते हैं बॉटम इन साइड, ठीक है, बॉटम इन साइड, ऐसा पैटर्न जब भी मिलेगा आपको एक फ्लैट खुल जाए बस, इसके बाद ब्रेकडाउन दे, इस स्विंग हाई का एसएल रख लीजिए, ठीक है, स्विंग हाई का एसएल, लो के नीचे सेल, ट्रेड आपका अच्छा रहेगा। 3500 के आसपास ही हम लोग सेल कर सकते हैं, जैसे 3500 के बिलो सस्टेन करने का करता है हम लोग सेल कर सकते हैं, इसी क्लोजिंग का ऐसे रख लेंगे, 35025 का ऐसे रखेंगे, ट्रेड हमारा लोअर साइड में 50-60 पॉइंट का होना चाहिए, और मॉर्निंग में 1-2 कैंडल में हो जाएगा, ध्यान रखिए अगर ये गिरेगा तो मॉर्निंग में गिर जाएगा, आपको बड़ा ट्रेड देके जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं दोस्तों, यह है पीएल, एक थोड़ा मैं रिकवर देख रहा हूँ इस स्टॉक को, ठीक है, कंटिन्यू गिरा है तो एक रिकवरी दे सकता है, अगेन फिर नीचे चले जाएगा, अभी नीचे की तरफ जाने की जगह है, लेकिन कैंडल अच्छा है, आप देखिए आज का हैमर जैसा कैंडल है, मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, लेकिन थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक मतलब 2020 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं, बाइंग बनेगा इसे 1982 के ऊपर, 1982 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, ठीक है, इसी स्विंग का हम लोग एसएल रख लेंगे, राइट, इसका तो हमारा एसएल बनेगा 1975 के आसपास का, 15 पॉइंट के एसएल, और अगर यहाँ से निकलता है तो ट्रेड अच्छा है, लगभग 40 पॉइंट का ट्रेड है, ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, 2020 के आसपास का ट्रेड आपका बन सकता है। तो नजर रखिए अगर लोअर लेवल से मार्केट रिकवर करता है तो इस स्टॉक को नजर रखेंगे, ये बाइंग इसमें अच्छा हो सकता है, ठीक है। देखिए
अगर ये ऊपर जाए तो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना है, अगर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे आ जाएगा, बट हमारा शॉर्ट इस स्टॉक में नहीं है, शॉर्ट अवॉइड करेंगे। अगर ब्रेकआउट करेगा अपर साइड में, हमने सेलेक्ट किया बाइंग के लिए, अगर ऊपर जाता है तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।